स्टूडेंट्स, हम आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अवकलन गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस। ये आपके 11th में, 12th में और आपकी नीट जेई में आपकी ये बहुत हेल्प करेगा। इस पे कुछ हम फॉर्मूले भी क्लियर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि अवकलन गणित होता क्या है। ये एक ब्रांच है हमारे पास मैथमेटिक्स की। अवकल गणित की, अवकल जो है वो गणित की शाखा है जिसमें कोई भी एक चर राशि जो होती है उसको दूसरी जो चर राशि होती है उसके सापेक्ष उसमें थोड़ा सा परिवर्तन जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है v और t, तो डी वी डी टी यहाँ पर क्या है, v और t में थोड़ा सा चेंज आता है और थोड़ा सा चेंज आता है, थोड़ा सा परिवर्तन आता है, उसका हम अध्ययन करते हैं। कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तब अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं, जैसे चर राशि क्या होती है। चर को अपन बोलते हैं अस्थिर राशि, जिसका मतलब होता है वेरिएबल, जो आपकी स्थिर नहीं रहती है, लगातार बदलती रहती है। जैसे एक्स वाई जेड डी, जेड डी टी, ठीक है ना, ये सारी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे थीटा हो गया हमारे पास। एक होता है एचआर राशि, स्थिर राशि जो कांस्टेंट होता है। जैसे कोई नंबर हो गया 1, 2, 3, पाई की वैल्यू हुई, ई की वैल्यू हुई, ये सारी वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो वहां कांस्टेंट और यहाँ पर वेरिएबल। अब एक छोटी सी बात मैं बताते हुए आगे टॉपिक को लेके जा रहा हूं। डीवी अपॉन डीटी, इसको बोलेंगे डेल वी अपॉन डेल टी, इसको बोलेंगे वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर हम यहां पर देखें, हम टाइम को थोड़ा सा और छोटा कर दें, हमने कहा ना क्षणिक परिवर्तन करते हैं, बहुत कम परिवर्तन करते हैं। तो अगर डेल टी बिलोंग्स टू जीरो, इसका मतलब होता है जो डेल टी जो डे इसकी वैल्यू है डेल टी की बहुत छोटी है, इसका अर्थ यह हुआ कि ये जीरो के लगभग अप्रोक्स है, जीरो के पास है, पूरी जीरो नहीं है। अगर ये पूरी जीरो हो जाएगी तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। तो अगर इसको अपन डेल टी को बिलोंग्स टू जीरो करते हैं तो यहां से एक नया फंक्शन बनता है डीवी डीटी। अब यहां पर डीवी डीटी क्या है, इसको एक बार समझते हैं। यहां जो वी है इसका अपन अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। अगर मान लो आपके पास वी की कोई वैल्यू दी हुई है, उसको यहां पुट करें वी की वैल्यू को और टी के सापेक्ष उसका अवकलन करने, ये करना हम आपको यहां पर सिखाने वाले हैं। दूसरी चीज, ये जो फॉर्मूले हैं ज्यादा मत सोचिए कैसे क्या करना है, जो मैं बता रहा हूं आपको वही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स या डी वाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, ये जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं वाई, ठीक है, और नीचे से क्या बोलेंगे एक्स, तो बोलेंगे वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन। इंग्लिश में बोले डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन। डी वाई डी टी, इसका मतलब क्या है, ये जो वाई है इसका टी के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू टी। इसी तरह डीवी अपॉन डी थीटा, इसका मतलब डीवी डी थीटा, तो इसका मतलब हुआ वी का, ये जो वी है इस वी का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहां हम लिखें थीटा, थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष वी का अवकलन। यहां लिखा हुआ है डी एक्स थीटा, डी एक्स डी थीटा, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, एक्स का किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा। यहां पर हम कुछ फॉर्मूले शुरू करते हैं अवकलन गणित के सूत्र, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। एक तरीका है डी डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स का एक्स के सापेक्ष, ये जो नीचे है इसका मतलब होता है एक्स के सापेक्ष, इसी के सापेक्ष चलेंगे अपन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से लिखा जाता है। अगर लिखा था डी अपॉन या डी डी वाई डी टी, डी वाई डी टी, इसको क्या बोलेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन का संकेत है ये, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी साइन, ठीक है। अगर डी अपॉन डी एक्स होता या डी अपॉन डी वाई होता तो वाई के सापेक्ष हो जाता। तो यहां पर मैं शुरू करता हूं फॉर्मूले से, डी एक्स डी एक्स क्या होता, क्या हो जाएगा 1, यहां पर डी टी डी टी कितना हो जाएगा 1। तो इसी तरीके से आगे फॉर्मूला लेके चलते हैं। अगर कोई फॉर्मूला है हमारे पास डी
डीएक्स, और यहां पर क्या है एक्स टू द पावर एन, एन की एन मतलब 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे बहुत काम आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, एन एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी सी अपॉन डी एक्स। इसका मतलब क्या है, सी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, मतलब स्थिर राशि, और किसी भी कॉन्स्टेंट का अवकलन या डिफरेंशियल जीरो होता है। लॉग ई एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में आप अवकलन करोगे तो आएगा 1 बाई एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आएगा ई एक्स। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको, फॉर्मूला सीधे राइट याद कर लो, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सापे काम आएंगे, याद रखना इनको अच्छे तरीके से। कॉट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा सेक एक्स टेन एक्स, कॉस एक्स, कॉसेक एक्स जो है इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब यहां पर है दो फंक्शन है एफ और जी, अगर प्लस आ रहा है तो प्लस लिख देंगे, माइनस आ रहा तो माइनस लिख देंगे, मान लिखा हुआ है एफ प्लस माइनस जी, इसका एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो पहले क्या लिखोगे, जो पहले लिखा हो उसको पहले लिखोगे, अगर प्लस आता है बीच में तो, या माइनस आता है तो डी एफ डी एक्स प्लस माइनस, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस है, अगर यहां पर प्लस होता तो यहां पर प्लस आ जाता, और यहां माइनस होता तो यहां पर क्या जाता, माइनस आ जाता, फिर पीछे क्या है जी, तो डी जी डी एक्स। अगर मान लो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक पहले आगे आ जाएगा, दूसरे वाले का अवकलन होगा, जैसे एफ जी का एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले एफ को बाहर निकाल दो, क्या करोगे डी जी डी एक्स कर दोगे, क्या लगाओगे प्लस, माइनस नहीं रहेगा प्लस लगेगा, अब क्या करोगे जी को बाहर निकालोगे, फिर क्या करोगे एफ का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पहले वाले को बाहर निकालो फिर दूसरे वाले का अवकलन करो, फिर दूसरे वाले को बाहर निकालो पहले वाले का अवकलन करो। अगर मानो डिवाइड में है एफ अपॉन जी, ये नीचे है डीएक्स, तो क्या करोगे जी डी एफ अपॉन डीएक्स माइनस एफ डी जी डीएक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे जी स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अब इनको कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन करके।